अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब माय नेम इज रन मलिक एंड आई एम हियर टू टीच यू फिजिक्स क्लास आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 9 का एक सब टॉपिक दैट इज यूजेस ऑफ कंडक्टर्स कंडक्टर्स एंड नॉन आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर चैप्टर नंबर 9 ट्रांसफर ऑफ हीट एंड द टॉपिक इज यूजेस ऑफ कंडक्टर्स एंड नॉन कंडक्टर्स तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं यूजेस ऑफ नॉन कंडक्टर्स बेसिकली यहाँ पर हम बात कर रहे हैं हीट की ऐसे मटेरियल्स जिनमें से हीट इजीली पास हो जाती है उन्हें हम कहते हैं कंडक्टर्स और वो मटेरियल्स जिनमें से हीट इजीली पास नहीं हो सकती उन्हें हम कहते हैं नॉन कंडक्टर्स सो हम यहाँ पर कुछ यूजेस डिस्कस करते हैं इन हाउसेज गुड थर्मल इंसुलेशन मीन्स लोअर कंजम्पन ऑफ फ्यूल सो घरों में हम गुड थर्मल इंसुलेशन करते हैं ताकि आपकी जो हीट है वो लॉस ना हो सके और इसका बेसिकली मतलब क्या है कि आप यहाँ पर फ्यूल जो है उसकी लोअर कंजम्पशन कर रहे हैं दैट मीन्स कि आप एनर्जी को सेव कर रहे हैं क्लियर जितना आपका फ्यूल कम से कम इस्तेमाल होगा मीन्स की तो उतनी आपकी एनर्जी कम से कम यूटिलाइज होगी क्लियर और इसी तरह से ये सब कब हो सकता है जब आपके घरों में गुड थर्मल इंसुलेशन का इस्तेमाल किया जा रहा होगा जैसा कि हॉट वाटर टैंक आर इंसुलेटेड बाय प्लास्टिक और फॉर्म लैगिंग जो हॉट वाटर बॉडीज होती हैं ठीक है, है उनमें हम उन सब प्लास्टिक का इस्तेमाल करते हैं या फिर उसके सराउंडिंग में हम फोम लैगिंग का इस्तेमाल करते हैं जो कि हीट को बाहर नहीं आने देता तो इस तरह से बॉडी के अंदर जो भी सबस्टांस या जो भी चीज मौजूद है वो गर्म रहती है क्लियर सिमिलरली वॉल कैिटीज आर फिल्ड विद प्लास्टिक फोम और वूल So, जो वॉल कैविटीज होती हैं उनमें भी प्लास्टिक फॉर्म या फिर वूल का इस्तेमाल किया जाता है वॉल कैविटीज बेसिकली मीन्स के दो बॉडीज के दरमियान जो स्पेस होती है दैट इज द वॉल कैविटीज। और उस वॉल कैविटी को भी फिल किया जाता है बाय प्लास्टिक फॉर्म और वूल इस तरह से होता क्या है कि जितनी भी हीट है वो बाहर की तरफ नहीं आती जैसा कि गीजर्स आपने देखा होगा कि गीजर्स के अंदर क्योंकि हमने पानी को गर्म करना है और पानी हम जब हम गर्म करेंगे मीन्स के पानी की हीट बाहर को नहीं आनी चाहिए ताकि आपका पानी जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए गर्म रह सके सो so, अब जब हम गीजर को बाहर से देखते हैं तो बाहर से मेटल की बॉडी है लेकिन अंदर की तरफ जो मेटल की बॉडी है उसके और बाहर वाली बॉडी के दरमियान बीच में एक फोम लगा होता है और वो फोम बेसिकली यहाँ पर क्या कर रहा है कि वो हीट को बाहर नहीं आने देता तो इस तरह से लॉन्ग टर्म के लिए उसके अंदर पानी जो है वो गर्म रह जाता है क्लियर दिस इज कॉल्ड द वॉल कैविटीज के इन वॉल कैविटीज को हम प्लास्टिक फॉर्म या फिर हम वूल से हम फिल करते हैं ताकि हीट बाहर को ना आ सके एंड सिमिलरली सीलिंग ऑफ रूम्स इज कवर्ड बाय इंसुलेटिंग मटेरियल्स इस तरह से जो आपकी रूम्स की सीलिंग्स होती हैं उनको भी इंसुलेटिंग मटेरियल से कवर किया जाता है ताकि आपके रूम के अंदर की जो हीट है वो बाहर ना जा सके और इस तरह से आपका जो इनर एनवायरनमेंट है वो गर्म रह सके और अगर हम बात करें गर्मियों की तो गर्मियों में आपका जो इनर एनवायरनमेंट है वो कूल रह सके उसमें जो बाहर की हीट है वो अंदर की तरफ ना आए तो इस तरह से आपका जो इनर एनवायरनमेंट है वो कूल रहता है क्लियर एंड सिमिलरली डबल ग्लेज विंडोज पेंस आर यूज अब डबल ग्लेज विंडोज पेंस का इस्तेमाल क्यों किया जाता है Means कि इसके दरमियान भी एक space होती है और उस स्पेस में बेस्ट इंसुलेटर सो अब एयर भीट को पास आउट नहीं होने देता तो अब वो जो ग्लास शीट हैं उनके दरम्यान में बेसिकली एयर मौजूद होती है जो कि हीट को बाहर नहीं जाने देती या फिर हीट को वो अंदर नहीं आने देती क्लियर तो so, इस तरह से आपका इनर एनवायरनमेंट जो है अगर वो विंटर है तो वो हीट अप रहता है मींस के अंदर जो, जो सारी हीट मौजूद होती है एंड सिमिलरली अगर हम समर की बात करें तो समर में बाहर की हीट जो है वो अंदर की तरफ नहीं आती क्लियर सो so, इस तरह से ये थे कुछ इस्तेमाल जो कि नॉन कंडक्टर्स हम इस्तेमाल करके इस तरह से हम अपनी एनर्जी को सेव कर सकते हैं और दैट मीन्स कि हम फ्यूल की कंजप्शन जो है वो हम कम कर रहे हैं क्लियर और सिमिलरली कुछ और नॉन कनेक्टर्स के हम यूजेस डिस्कस करते हैं जैसे कि आपने देखा होगा जो आपके कुकिंग यूटेंसिल्स होते हैं अब इनके भी जो हैंडल्स होते हैं ये या तो प्लास्टिक या फिर लकड़ी के बने होते हैं बिकॉज क्योंकि आपने इसको यहाँ पे होल्ड करना है हैंडल से आपने होल्ड करना होता है तो अब वो प्लास्टिक या लकड़ी का होगा तो वहां तक हीट नहीं पहुंच सकेगी और वो जो हैंडल है वो गर्म नहीं होगा इस तरह से उसको इजिली आप होल्ड कर सकते हैं क्लियर तो इसी तरह ये भी नॉन कंडक्टर्स के बने होते हैं इसी इसी तरह आप कुछ और एग्जांपल डिस्कस करें लाइक like, आपके जो रेफ्रिजरेटर्स होते हैं ठीक है इनकी जो बॉडीज होती हैं उनको भी नॉन कंडक्टर से कवर किया जाता है डिफरेंट फॉर्म लैगिंग से कवर किया जाता है ताकि जो हीट है वो अंदर को ना जा सके और जो अंदर की जो कूलिंग है वो बाहर को ना आ सके क्लियर और हम कुछ अगर और यूजेस डिस्कस करेंगाम्पल जैसे मैं किया कि मैंने किया बेस्ट इंसुलेटर सो वो सारे materials जो कि एयर को ट्रैप करते हैं फाइबर ठीक है ये सब कौन से मटेरियल्स हैं जो कि एयर को ट्रैप कर लेते हैं एयर को रोक लेते हैं तो ये सब क्या है जैसे कि वूल वो द बेस्ट इंसुलेटर कि इसमें भी एयर जो है वो ट्रैप हो जाती है एयर जो है वो पास आउट नहीं हो सकती इसमें से हीट पास आउट नहीं हो सकती क्लियर so ये सब मटेरियल्स जो कि हवा को रोक लेते हैं हवा को ट्रैप कर लेते हैं दे आर ऑल्सो द बेस्ट नॉन कंडक्टर्स ओके दे आर ऑल्सो द बेस्ट इंसुलेटर्स इस तरह से इनको भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं कि ये भी हीट को ट्रैप कर रहे हैं हीट को रोक ले और हीट को फर्दर ना आ सकें जैसे कि अगर हम डिस्कस करें हमारा जो विंटर के क्लोथ्स होते हैं वो भी नॉर्मली वूल के बने होते हैं ठीक है तो वो वूल क्यों बने होते हैं

कंडक्टर्स बेसिकली वो जिसमें से हीट जो है वो जल्दी ट्रांसफर हो जाए जैसे बेस्ट एग्जाम्पल है मेटल्स सो दैट्स वाई हमारे जितने भी कुकिंग यूटेंसिल्स जो कि हमने खाने बनाने के लिए जो हम इस्तेमाल करते हैं वो भी नॉर्मली मेटल्स के बने होते हैं लाइक like, इसमें कुकर्स की बात करें कुकर जिसमें आपका खाना पकता है अब क्योंकि उसमें आपने हीट को ट्रांसफर करना है ना अंदर खाने में तो दैट्स वाई वो कुकर सारा क्या है वो मेटल का बना होता है ताकि उसमें से हीट जो है वो जल्दी ट्रांसफर हो जाए और आपका जो भी खाना है वो बहुत अच्छी तरह कुक्ड हो जाए एंड सिमिलरली कुकिंग प्लेट्स एंड द बॉयर्स अब बॉयलर्स में भी क्या है कि आपने अंदर पानी को गर्म करना होता है तो अब जब हीट ट्रांसफर होगी उस बॉडी से अंदर पानी तक इसी तरह पानी जो है वो गर्म हो जाएगा सो so जैसा कि गीजर की मैंने बात की थी तो गीजर का भी जो बेसिकली इंटरनल जो बॉडी होती है जिसमें पानी मौजूद होता है तो वो भी मेटल का बना होता है ताकि उसमें भी जल्द से जल्द जल जो है वो हीट ट्रांसफर हो सके एंड सिमिलरली रेडिएटर्स जो कि आपकी गाड़ियों में इस्तेमाल किए जाते हैं ये भी मेटल के बने होते हैं ताकि इसमें भी जो हीट है वो बाहर को आ सके सो सकेट्स वाई आर ऑल्सो द कंडक्टर्स एंड कंडेंसर एंड द रेफ्रिजरेटर इन सब में भी इन सब सबकी जो है, बॉडीज हैं वो मेटल की बनी होती हैं ताकि उन सब में हीट जो है वो इजीली ट्रांसफर हो सके क्लियर सो so, ये थे कुछ यूजेस ऑफ कंडक्टर्स एंड नॉन कंडक्टर्स अब फर्दर इसी के साथ एक एग्जाम्पल गिवन है नाइन पॉइंट वन सो वो हम डिस्कस करते हैं Now the example 9.1 the exterior brick wall of a house of thickness 25 cm has an area 20 m square the temperature inside the house is 15 degrees celsius and outside is 35 degrees celsius find the rate at which thermal energy will be conducted through the wall and the value of k for bricks is 0 0.6 watt per meter per kelvin Clear? अब यहां इस में आपको उसने यहां पर कहा कि एक हाउस की एक एक्सटीरियर ब्रिक है जिसकी बस थिकनेस है 25 सेंटीमीटर और उसका एरिया है 20 मीटर स्क्वायर अब उसने कहा घर के अंदर का जो टेम्परेचर है T2, 15 और जो बाहर का टेम्परेचर है दैट इज थर्टी डिग्री सेल्सियस सो आपने वो रेट फाइंड करना है जिसमें हीट एनर्जी ट्रांसफर होगी फ्रॉम आउटसाइड टू द इन क्लियर और इस तरह आपको ब्रिक की जो थर्मल कंडक्टिविटी है दैट इज के उसकी वैल्यू भी आपको गिवन है तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डाटा नोट डाउन कर लेते हैं इस केस में आपको थिकनेस गिवन है एल विच इज ट्वेंटी फाइव सेंटीमीटर इसको हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए आप हंड्रेड से डिवाइड कर देंगे एंड इट बिकम्स जीरो पॉइंट मीटर और सिमिलरली यहां पर एरिया भी गिवन है विच इज ट्वेंटी मीटर स्क्वेयर और इसके साथ टी वन टेम्परेचर गिवन है दैट इज थर्टी फाइव डिग्री सेल्सियस उसको हम कैलवन में कन्वर्ट करते हैं और कैलवन में कन्वर्ट करने के लिए आपको टू सेवेंटी थ्री एड करना होता है टू सेवेंटी थ्री प्लस थर्टी फाइव इट बिकम्स थ्री जीरो एट कैलवन ओके और सिमिलरली यहां पर आपको टी टू भी गिवन है विच इज फिफ्टीन डिग्री सेल्सियस एंड देन फिफ्टीन प्लस टू सेवनटी थ्री एंड इट बिकम्स टू जीरो एट कैलवन और आपको के थर्मल कंडक्टिविटी भी गिवन है आपको विच इज जीरो पॉइंट सिक्स वॉट पर मीटर पर कैलमन एंड वट यू हैव टू फाइंड दैट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट And the rate of flow of it is denoted by Q by T that is equals to question mark. So now write the solution. Now as we know that Q by T is equals to K A T1 minus T2 over L. So, इस फॉर्मूले में फर्दर हम वैल्यूज करते हैं नाउ द टी इज इक्वल टू के की वैल्यू है जीरो पॉइंट सिक्स मल्टीप्लाई बाय एरिया है ट्वेंटी डिग्री सेल्सियस एरिया है एरिया है ट्वेंटी मीटर स्क्वेयर एंड मल्टीप्लाई बाय टी वन माइनस टी टू थ्री जीरो माइनस टी टू है टू एटी एट कैलवन एंड एल विच इज फाइव सो फर्दर जीरो मल्टीप्लाई बाय ट्वेंटी एंड थ्री जीरो कैलकुलेटर में सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 960 joule per second so this is the rate of flow of heat so write the result the rate of फ्लो ऑफ हीट्रॉस द वर्ल्ड इज नाइन सिक्सटी जाउल पर सेकेंड क्या आई होप एग्जैंपल आपको समझ आ गई होगी अपना तो बहुत सारा ख्याल रखिएगा टेक केयर अल्लाह हाफिज